OLX पर आईफोन का एड देकर एक युवक को बनाया ठगी का शिकार। कुल 58,000 रुपए वसूलने के बाद भी नहीं दिया आईफोन। पीड़ित ने अलवरगेट थाने में दर्ज कराया मुकदमा। अलवरगेट थाना अंतर्गत एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने OLX पर आईफोन बेचने का एड देकर धोखाधड़ी की। आरोपी ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताया और पैसे लेने के बावजूद आईफोन नहीं दिया। अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाने के SI मोतीलाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान नगर बिहारीगंज प्रयाग विला अजमेर निवासी तुषार त्रिपाठी पुत्र लोकेश त्रिपाठी ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने अमित कुमार नाम के शख्स को OLX ऐप के माध्यम से संपर्क किया। उसने आईफोन का एड मोबाइल पर डाला था। इसके बाद उससे बातचीत हुई। उसने स्वयं को आर्मी ऑफिसर बताया। स्वयं की फर्जी आधार, पैन कार्ड और आर्मी कैंटोनमेंट ID भी भेजी। इसके बाद 23,000 रुपये सौदा हुआ। उसने सुनील कुमार नाम के आर्मी ऑफिसर की तस्वीर और आईफोन का बिल भेजा, जिसे आईफोन वेबसाइट पर चेक किया तो सही निकला। एडवांस में 13,000 रुपये QR कोड पर भेजने के लिए कहा। सोनू सैनी नाम के कोड पर 6 बार में 2,000 व 1,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद निखिल कुमार नाम बताकर एक व्यक्ति बोला कि वह डिवाइस कोरियर लेकर आदर्श नगर बालूपुरा रोड पर आर्मी कोरियर ऑफिस से निकल रहा है। इसके बाद 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा दिए। फिर आदमी ने कहा कि पूरे 23,000 रुपये करने हैं। इस पर अमित कुमार नाम के आदमी से बात की तो उसने कहा कि रिटर्न मिल जाएंगे। 23,000 रुपये फिर ट्रांसफ़र करा लिए। फिर इसने कॉल किया कि एक ही अकाउंट से ट्रांसफ़र करना होता है। जब रुपए के लिए मना किया तो अमित कुमार का कॉल आया कि उसका फ़ोन बीच में अटका दिया है। इस पर उसे केवल 12,000 रुपये होने की बात बताई। उसने 12,000 भी ले लिए और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कुल 58,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। तब भी उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। ये है तुषार त्रिपाठी पुत्र लोकेश त्रिपाठी, ये निवासी है प्रयाग विला हनुमान नगर बिहारीगंज अजमेर में। एक धोखाधड़ी का कोई फ्रॉड हुआ था, इसके बारे में मुकदमा दर्ज करवाया था। क्या मामला बताया सर? उन्होंने बताया कोई ऐप है, LX कोई ऐप है, एक फिर कोई ऐड आया था जी। उस ऐड पर उसने संपर्क किया था तो उन्होंने कोई मोबाइल के बारे में बोला था। मोबाइल वो है ना आईफोन होता है ना, आईफोन के लिए जी। उसने एक ऐड किया कि ये आईफोन है आपको बेचना है। इसको लेकर उसने उससे पैसे लगभग पैसे हैं 58,000 के लगभग उसने पैसे उसमें डाल दिए थे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? ये 420, 406 में मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान अभी जारी।